और देखिए गुरुद्वारा चर्च यहाँ से दिख रहा है। गुरुद्वारा थोड़ा सा दूर है इसलिए ठीक से कैप्चर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं देख सकता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग ऐसे वॉक पे आए हुए थे क्लाइड रिवर पे, तो देखा कि बहुत अच्छा नज़ारा है। ऐसा नज़ारा मैंने सिर्फ हॉलीवुड मूवीज़ में देखा था, तो मैं सोचा चलो यहीं पे एक वीलॉग क्यों ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए अभी रात के 10 बजे है, लेकिन कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये ग्रीन मेरी ग्लास्को शिप है, आई थिंक ये ख़राब है या इसमें कुछ रिपेयर चल रहा है। चलिए आगे वॉक पे चलते हैं, देखते हैं। और यहाँ से खूबसूरत चर्च दिख रहा है। अब मुझे पता नहीं ये दूर से कैप्चर हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मेरे को तो दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है। और जहाँ पे नारंगी कलर का लाइट जल रहा है वो बीबीसी है, और ये साइंस एग्जीबिशन सेंटर है मेरे राइट। और यहाँ पे तो बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन पहली बार वेवरली शिप देख रहा हूँ, वेवरली ग्लासगो। आई थिंक यहाँ से हम लोग वेवरली जा सकते हैं शिप में, तो इसका आइडिया नहीं है। और अभी तो शायद यहाँ पे क्लीनिंग ही चल रहा है, तो पता नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है शिप में। ये शायद कल रात को 10 बजे निकलेगा। और तो ऑलमोस्ट लाइक मिनी टाइटैनिक शिप टाइप है, तो उसमें तो सेफ्टी बोट भी है। ये देखिए सेफ्टी बोट है, इसमें बैठने के लिए जगह है, और शायद अंदर एक कैंटीन भी है, तो देखते हैं। और देखिए विथ लाइट साइंटिफिक सेंटर कितना खूबसूरत दिखता है। और नारंगी में बीबीसी, और क्राउन प्लाजा उधर दिख रहा है। ये बीबीसी स्कॉटलैंड के ऑफिस के साइड में लगा हुआ है। ये सब आर्टिस्ट हैं यहाँ पे। देखिए ये सब आर्टिस्ट लोगों का फोटोज लगा हुआ है। इनमें से तो मैं शायद किसी को नहीं जानता हूँ, अगर आप में से कोई जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिए। और ये क्लाइड ब्रिज, और सबसे मस्त मुझे आज हाइड्रो पार्क लगा, एकदम रंग बदलते हुए। और रैडिसन रेड में शायद टॉप फ्लोर पब है, तो मैं यहाँ से लाइट देख सकता हूँ, तो पूरा डिस्को लाइट्स में चमक रहा है। और ये प्रीमियर इनके पास आ रहे हैं हम लोग।
और पहली बार मैं फिल्मिक प्रो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ शूट करने के लिए, तो बताइए कैसा है यह, क्लैरिटी अच्छा है? अगर ख़राब है तो वो भी कमेंट में कीजिए ताकि मैं नॉर्मल कैमरा मोड में चले जाऊँगा। और ये प्रीमियर इन में आ गए हम लोग, अब हम लोग ये ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ उस पार जाएंगे। इस ब्रिज का नाम है बेल्स ब्रिज। और ये फेमस क्लाइडार्क, तो क्लाइडार्क के हिस्ट्री के बारे में तो पता नहीं है तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरी नज़र बार बार एसीसी सेंटर से हट ही रही है। ये देखिए कैसे रंग बदल रहा है हाइड्रो पार्क, इस ऑसम। मुझे इसने पेरिस की याद दिला दी, आईफल टावर में भी ऐसे रंग बदलता रहता है, तो मुझे अभी वही याद आ रहा है सिर्फ। तो हर जगह में, हर देश में अपनी खुद की इम्पोर्टेंट मंजिलें होती है। मंजिलें बोलते हैं क्या बिल्डिंग को? मंजिल बोलते हैं, हाँ। तो अगर मैं पूरा हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो प्लीज़ माफ़ कीजिए। और देखिए बस क्लाइडार्क पे लाइटिंग मिस है, शायद वहाँ पे भी अभी स्विच ऑन कर रहे हैं। इमारत इज द राइट वर्ड। मेरी नजरें तो बिल्कुल हाइड्रो पार्क से हट नहीं रही है। हरा कलर, येलो, लाल, पर्पल, ब्लू, और देखिए गुरुद्वारा चर्च यहाँ से दिख रहा है। गुरुद्वारा थोड़ा सा दूर है इसलिए ठीक से कैप्चर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं देख सकता हूँ। और जैसे कि मैंने दिखाया आपको एसीसी सेंटर, हाइड्रो पार्क और क्लाइडार्क। आज के लिए बस इतना सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।